चिल्ड्रेन, आज मैं क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। टॉपिक है प्रोडक्ट और एक्सरसाइज 6.2। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, फ्रैक्शन कितना है 3/4 × 1/2। इस तरह मैंने टोटल एक क्वेश्चन दिया है, इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। 3/4 × 1/2, 3 × 1 = 3 और 4 × 2/8। यहाँ देख लीजिए कहीं भी कैंसिल नहीं हो रहा है, इसका आंसर 1/3/8 हो जाएगा। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 कैसे है, 1 whole 4/7 × 2/11, 11/7, तो यहाँ 7 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर कितना होगा 7, और ये 4 उसमें ऐड कर दीजिए कितना हो गया 11/7 और × 2/11। 1 whole 4/7 को आपको इससे पहले आप पढ़े होंगे कि 7 × 7 + 4, 7 + 4/7 कितना होता है 11/7। मैंने उतना नहीं लिखा है उसको, लेकिन इसको उस तरीके से सॉल्व करके यहाँ पे लिख दिया गया, 7 × 7 = 4, 11/7 × 2/11। तो 11 × 2 = 11 × 2/7 × 11, यहाँ 11 11 क्या हो गया कैंसल हो गया 2/7। उस तरह क्वेश्चन नंबर आप 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 5 whole 1/3 × 6 whole 7/8। यहाँ इसको पहले सॉल्व कर लीजिए, ये तो मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको हम लोग होल फ्रैक्शन में कर लेंगे। 3 × 5 3 3 5 15 16 16 by 3 8 6 48 और 48 7 55 55 by 8, यहाँ 16 × 55 3 × 8, यहाँ 8 2 16, यहाँ कैंसिल हो गया 2 × 55 110 by 3। यहाँ उसी तरीके से इसको फिर हम लोग जो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, 110 जो है उसे आप 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 3 9, 11 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 0, 3 6 18, कितना आया रिमाइंडर 2। इस तरह से कैसे लिखेंगे इसको, 36 whole 2/3। ओके, ये चैप्टर आपको हो गया, थैंक यू। और इसको सॉल्यूशन को देखते हुए आप बाकी सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।